सब लोग सीधा बैठ जाइए, अपनी बॉडी को एडजस्ट कर लीजिए और आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस, बैलेंस इन आर लाइफ। और हम बैलेंस के आसनों पे आज थोड़ा फोकस करेंगे, उससे पैरों का स्ट्रेंथ भी बढ़ता है और मन की जो स्थिति है वो भी कम होती है। ओके और हमारा आज का मंत्र है शंभु शंकर नमः शिवाय, गिरिजा शंकर नमः शिवाय। तो शंभु कम्स फ्रॉम द रूट वर्ड शमा, शमा मतलब मन की शांति। उससे तो बेसिकली शिवा इज द प्रतीक ऑफ मन की शांति, समत्वता, बैलेंस इन अ लाइफ एंड शिवा एंड शक्ति इज टुगेदर ऑल द टाइम। उसी से हम बने हैं। तो हम आज फोकस करेंगे कि हमारे लाइफ में कहाँ कहाँ बैलेंस नहीं है। कई बार हमको लगता है कि हम बहुत फंसे हुए हैं घर के काम में, कभी कभी लगता है जॉब पे बहुत फंसे हुए हैं, कभी लगता है इसका ज्यादा ध्यान रखना है, कभी लगता है उसका ज्यादा ध्यान रखना है। तो ऐसा जीवन में बहुत बार होता है, हम डिवाइडेड फील करते हैं कि क्या करें क्या ना करें, राइट। तो योगा करते करते वो विवेक शक्ति आती है विच इज द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जिससे हम ये तय करना शुरू कर देते हैं कि हमको कहाँ फोकस करना है। जब वो हम समझ जाते हैं कि हमको जहाँ फोकस करना है वही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, तो लाइफ में एक बैलेंस आ जाता है, एक समत्वता आ जाती है। ठीक है, तो उसी भाव के साथ आज हम योगा क्लास में बैठेंगे कि क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कहाँ ज्यादा बैलेंस क्रिएट करना है। तो आंखें बंद कर लीजिए, पीठ बिल्कुल सीधी, कंफर्टेबली इरेक्ट, बहुत ज्यादा ऐसे टाइट भी होल्ड नहीं करना है। टेल बोन शुड बी कंफर्टेबली सीटेड ऑन द मैट। हाथों को चिन मुद्रा या ऐसे क्रॉस करके कैसे भी लैप पे रख लीजिए और एक लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। और ये दोहराइए मन में कि हमारे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जीवन में, बहुत सारे काम हैं और हम उनको महत्व भी देते हैं जो कि देना चाहिए, लेकिन फॉर द नेक्स्ट 1 आवर हमारे सेल्फ केयर केयर के लिए है, हमारे अपने ऊपर, अपने शरीर और मन के ऊपर समय इन्वेस्ट करने के लिए है। ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है और योगा का इन्वेस्टमेंट ऐसा इन्वेस्टमेंट है कि अगर जितना आप इसमें डालेंगे उतना 4 टाइम्स बढ़ता जाएगा, ऐसा कहीं FD नहीं मिलेगा आपको। चेहरे पे एक स्माइल लेके आइए, फील द ग्रैटिट्यूड फॉर द मोमेंट, एक कृतज्ञता मन में लाइए कि आप इस समय यहाँ प्रेजेंट हैं। योगिक ब्रीदिंग पे थोड़ा ध्यान देंगे, मतलब जब सांस अंदर लेते हैं तो पेट बाहर, जब सांस छोड़ते हैं तो पेट अंदर। मेक श्योर गर्दन सीधी हो, चिन पैरेलल टू द फ्लोर एंड जीभ कसी हुई नहीं हो, ऊपरी तालू से बिल्कुल हल्के से लगी हो जो उसका नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन है, ऊपर के दांतों के जस्ट पीछे। सांसों पे ध्यान बिल्कुल भी, सांसों के तापमान को अनुभव करिए, फील द टेम्परेचर ऑफ द इन ब्रेथ एंड आउट ब्रेथ। सांसों में समत्वता लाइए, बैलेंस बिटवीन योर इन ब्रेथ एंड आउट ब्रेथ, इक्वल लेंथ। आप काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 सांस अंदर, 1 2 3 सांस बाहर।
जैसे जैसे हम अपनी सांसों से जुड़ना शुरू करते हैं, हमारा शरीर और मन दोनों में बैलेंस आना शुरू हो जाता है। शोल्डर्स को बिल्कुल रिलैक्स छोड़िए, बिल्कुल टाइट होल्ड नहीं करना है। रिलीज ऑल द टेंशन फ्रॉम योर शोल्डर। फील द वेट ऑफ योर लेग ऑन द मैट। अपने पैरों का भार महसूस करिए मैट पर। अपने हाथों का भार अपने पैरों पर अनुभव करिए। आंखें बंद रखिए और मैं मंत्र का धुन सुनाऊंगी, एंड देन यू कैन रिपीट आफ्टर मी। सो आज का मंत्र ऐसे जाता है, शंभु शंकर नमः शिवाय। रिपीट, शंभु शंकर नमः शिवाय, गिरिजा शंकर नमः शिवाय। रिपीट, गिरिजा शंकर नमः शिवाय। अगेन टुगेदर, शंभु शंकर नमः शिवाय, गिरिजा शंकर नमः शिवाय। इस दोनों लाइन को हम दो बार दोहराएंगे, उसके बाद बिल्कुल हाई पिच में जाएगा, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। रिपीट करिए, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। लास्ट वाला बिल्कुल धीमी गति से नीचे की तरफ उतरेगा। सो शंभू शंकर नमः शिवाय, गिरिजा शंकर नमः शिवाय, दो बार रिपीट होगा और नेक्स्ट लाइन भी दो बार रिपीट होगी। सो लेट्स स्टार्ट। एक गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। नेक्स्ट गहरी सांस के बाद हम चैंटिंग शुरू करेंगे जप। शंभु शंकर नमः शिवाय, गिरिजा शंकर नमः शिवाय, शंभु शंकर नमः शिवाय, गिरिजा शंकर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, शंभु शंकर नमः शिवाय, गिरिजा शंकर नमः शिवाय, शंभु शंकर नमः शिवाय, गिरिजा शंकर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, शंभु शंकर नमः शिवाय, गिरिजा शंकर नमः शिवाय, शंभु शंकर नमः शिवाय, गिरिजा शंकर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, शंभु शंकर नमः शिवाय, गिरिजा शंकर नमः शिवाय, शंभु शंकर नमः शिवाय, गिरिजा शंकर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
गिरिजा शंकर नमः शिवाय, शंभो शंकर नमः शिवाय, गिरिजा शंकर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। सांसों पे वापस ध्यान, वो मंत्र की वाइब्रेशन को अंदर अब्सॉर्ब होने दीजिए। योगिक ब्रीदिंग करते हुए मैंने उस दिन खेचड़ी मुद्रा सिखाई थी, जो टंग को रोल करके ऊपर लेके जाते हैं जितनी दूर हो सके। अगर सॉफ्ट पैलेट को टच करती है तो अच्छी बात है, नहीं तो ऊपर की तालू से टच करके रखिए हल्के से, एंड देन क्लोज योर माउथ। ओके, आई जस्ट डू वन राउंड ऑफ मंत्रा चैंटिंग। आपको टंग की वाइब्रेशन फील करते हुए मंत्र पे ध्यान देना है, ठीक है? लेट्स बिगिन एंड कीप ब्रीदिंग नॉर्मली। शंभो शंकर नमः शिवाय, गिरिजा शंकर नमः शिवाय, शंभो शंकर नमः शिवाय, गिरिजा शंकर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। रोल ऑफ योर टंग अगेन। योगिक ब्रीथिंग पे ध्यान, जब सांस अंदर तो पेट बाहर, जब सांस छोड़ते हैं तो पेट अंदर। जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ। अभी नेक्स्ट हम अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम। ओके, उसमें शब्दों के साथ जो मैं मंत्र जाप करूंगी उसमें सांसों का समन्वय करना है, मतलब कोऑर्डिनेशन करना है, ठीक है? आपने पहले भी किया हुआ है सिमिलर वे में। ओके, सो जो भी आपका लेंथ है आप चूज कर लीजिए। सपोज फॉर एग्जाम्पल, शंभु शंकर में ब्रेथ इन, नमः शिवाय में ब्रेथ आउट। ओके, और सेकेंड ऑप्शन है, यू कैन डू द ब्रेथ इन, होल्ड एंड देन ब्रेथ आउट। कुंभक के साथ भी कर सकते हैं। Everybody is clear? Okay, good. So let's start it. मैं मंत्र जाप करती जाऊंगी और आप सांसों को वर्ड्स के साथ मैच करते जाएंगे, ठीक है? शंभो शंकर नमः शिवाय, गिरिजा शंकर नमः शिवाय, शंभो शंकर नमः शिवाय, गिरिजा शंकर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, शंभो शंकर नमः शिवाय, गिरिजा शंकर नमः शिवाय, शंभो शंकर नमः शिवाय, गिरिजा शंकर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय,
finish of your cycle while breathing out through the left. अभी हम लास्ट प्राणायाम करेंगे, भ्रमरी प्राणायाम. अंगूठे से ट्राइगर्स ऑफ द ईयर इसको बंद करना है. तीन आंखें आप यहाँ आंख के ऊपर, तीन उंगलियां आंख के ऊपर हल्के से रखनी है और एक फोरहेड पे. ब्रीद इन करते ब्रीद आउट करना है तीन टाइम अपने पेस पे. लेट्स डू इट.